अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। दोस्तों 21वीं शताब्दी के इस दौर में अगर हमें और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? तो बेशक हम गूगल या यूट्यूब पर ही जाते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि यूट्यूब का इतिहास क्या है, यूट्यूब के फाउंडर कौन है और किसने इसे आगे बढ़ाया? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब का इतिहास क्या है और सबसे पहले वो वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड की गई थी वो कौन सी वीडियो है, वो वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए एपिसोड को। दोस्तों साल 2005 जब हमारे देश भारत में देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल या डीडी न्यूज़ हुआ करता था, उस वक्त दुनिया के किसी कोने में तीन ऐसे जिज्ञासु बैठे थे जो 21वीं शताब्दी को बदलने के लिए तैयार थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम की। दोस्तों ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाकर ना ही सिर्फ अपना भला किया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ना जाने कितने लोगों का भला किया। आज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ना जाने कितनों का घर चलता है। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब को दुनिया के सामने पहली बार लाया गया। यूट्यूब के पहले दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने की घटना को लाइव देखा जा सके। इसके फाउंडर्स ने इसी यूनिक आइडिया को फॉलो किया जिसकी वजह से आज यूट्यूब इस मकाम पर है जिसे हम और आप जानते हैं। यूट्यूब का पहला वीडियो जिसका नाम मी एट जू था, जिसको 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया था। यूट्यूब के पहले वीडियो को सैन डिएगो के चिड़ियाघर में शूट किया गया था जिसमें यूट्यूब के एक फाउंडर जावेद करीम को देखा जा सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं यूट्यूब पर अपलोड की गई सबसे पहली वीडियो पर। Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long. इस वीडियो को आज वर्तमान में 213 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है और तकरीबन 5 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक्स हिट किए गए हैं। चैड हर्ली जो यूट्यूब के तीनों फाउंडर में से एक है, इन्होंने यूट्यूब के वेबसाइट को डिज़ाइन किया था और इनके साथ स्टीव चैन ने इस बात का ख्याल रखा था कि यूट्यूब पे अपलोड करने वाली किसी भी वीडियो को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जावेद करीम एक प्रोग्रामर थे जो यूट्यूब की सुरक्षा में इन दोनों की मदद करते थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इंडिया के कुछ उन बेहतरीन यूट्यूबर्स पर जिनके सब्सक्राइबर 10 मिलियन से ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों इस यूट्यूबर को कौन नहीं जानता, इनका नाम कैरी मिनाटी है। आज वर्तमान में इनके टोटल सब्सक्राइबर 21.3 मिलियन है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है अमित बढ़ाना। आज वर्तमान में इनके टोटल सब्सक्राइबर 20.5 मिलियन है। इस बंदे से कौन वाकिफ नहीं है, इनका नाम है आशीष चंचलानी। आज वर्तमान में इनके टोटल सब्सक्राइबर 18.6 मिलियन है। भुवन बाम ने अपने नाम को शॉर्ट करके बीबी के वाइड नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जिसके आज 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। गौरव चौधरी, हम में से हर किसी ने इनके वीडियो को कभी ना कभी तो देखा होगा। ये YouTube पर अनबॉक्सिंग, टेक्नोलॉजी और बहुत से ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो काफ़ी यूनिक होता है। आज इनके चैनल पे 17.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो दोस्तों इन यूट्यूबर्स ने और इन जैसे लाखों यूट्यूबर्स ने YouTube पर अपनी जगह बना ली है जिसका पूरा का पूरा श्रेय चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम को जाता है जो कि YouTube के फाउंडर है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम इरफान शाह और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। अस्सलामु अलैकुम।